बस बिहार के लोग आगे बढ़कर टीकाकरण कराकर जो स्वस्थ होकर बिहार को आगे बढ़ाएं, यही चाहते हैं। और क्या विपक्ष ने क्या कहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार विधानमंडल के वे माननीय सदस्य हैं और बिहार के विकास में उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। तो इसीलिए अभी ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, अभी स्वस्थ बिहार कैसे हो बस यही लक्ष्य है। हमारे साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हैं, इन्होंने भी लिया है वैक्सीन। सर आपने वैक्सीन लिया, कैसा फील हुआ? नहीं, बहुत सामान्य लगा और इसमें किसी प्रकार के कोई नकारात्मक जो उसके प्रभाव हैं वो नहीं दिखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसका राज्य में शुभारंभ किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में इसका शुभारंभ किया है। मैं तो अपने बिहार विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों से और बिहारवासियों से भी आग्रह करूंगा कि आज जो टीकाकरण प्रारंभ हुआ है और उसके उसका जो उम्र का स्लैब है उसके अंतर्गत जो आते हैं वो निश्चित रूप से टीकाकरण कराएं। आज से सभी राज्य के अस्पताल सदर अस्पतालों में यह टीकाकरण प्रारंभ हो गया है और 3 मार्च से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभ किया जाएगा। सर विपक्ष कह रहा है कि जो आज जो टीका लगा है वो स्पेशल टीका लगा है। अब देखिए, खैर विपक्ष ने क्या कहा हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार विधानमंडल के वे माननीय सदस्य हैं और बिहार के विकास में उनकी भी एक बड़ी भूमिका है। तो इसीलिए अभी ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, अभी स्वस्थ बिहार कैसे हो बस यही लक्ष्य है। आप वैक्सीन लेने के बाद लोगों को क्या संदेश देंगे? बस बिहार के लोग आगे बढ़कर टीकाकरण कराकर जो स्वस्थ होकर बिहार को आगे बढ़ाएं, यही चाहते हैं। और क्या था? ये थे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने आज वैक्सीन लिया है। आज जो है वो सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, तमाम लोगों ने आज जो है वो वैक्सीन लिया है। हालांकि मंगल पांडे से हमने बातचीत की तो उनका कहना है मंगल पांडे ने वैक्सीन नहीं लिया है, लेकिन डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वैक्सीन लिया है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े किया था, जिस तरीके से भाई बहन ने यह कहा कि आज जो वैक्सीन आई है वो स्पेशल वैक्सीन है, तो यह सवाल भी हमने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से भी किया और रेणु देवी से भी किया। उनका स्पष्ट रूप से कहना है विपक्ष और पक्ष इसमें कुछ नहीं, इसमें जिस तरह से जो वैक्सीन लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह में दिल्ली के एम्स में वैक्सीन लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज IGMS में वैक्सीन लिए हैं और उसके बाद उनके साथ साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं बिहार के, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री, ऊर्जा मंत्री ने भी वैक्सीन लिए हैं। बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, नमस्कार। सर 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 इधर